हेलो भाई, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं प्रयागराज के गंगा घाट पर आया हुआ हूं। यहां का मैं शानदार व्यू आप सबको दिखाना चाहता हूं। इस समय आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से नाव के बीच में घिरा हुआ हूं। यहां पे देख सकते हैं आप लोग दूर दूर से गंगा माँ का दर्शन करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं लोग फुल एंजॉय के साथ गंगा में मस्ती के साथ नहा भी रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसमें पूरे गंगा में नावों का एक कारवा बना हुआ है जो है, ये देख सकते हैं हर तरफ जिधर देखिए पूरा नाव ही नाव आपको दिखाई दे रही होंगी। लोग नाव से गंगा माँ का जो है दर्शन कर रहे हैं। लोग नाव से जाके अंदर गंगा में स्नान भी करते हुए देख सकते हैं आप। इस समय पूरा गंगा घाट नावों से भरा पड़ा है। दो महीने बाद यहाँ पे माघ मेले का आयोजन भी होता है हर साल। यहाँ पे करोड़ों लोग देश विदेश से आके जो है गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपनी मनोकामना गंगा माँ से मांगते हैं। यहाँ पे दो नदियों का संगम है, गंगा और यमुना। ये सामने आप देख रहे हैं इसी को संगम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा और यमुना दोनों नदियाँ आपस में आके मिली हुई हैं, इसीलिए इसको संगम बोला जाता है। यहाँ पे रोज लाखों लोग आके गंगा माँ में स्नान करते हैं, उनका ध्यान पूजा अर्चना करते हैं जो है। ये देख सकते हैं पूरा जो है काफ़ी मनोहर दृश्य दिखता हुआ गंगा माँ का। दोस्तों, मैं आप सबको गंगा घाट की दुकानें दिखाना चाहता हूँ जो है। आप देख सकते हैं गंगा घाट पे चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हर तरफ दुकानें लगी हुई हैं। देख सकते हैं आप जिधर देखिए दुकानें ही दुकानें लगी हुई हैं। लोग बीच बीच में अपनी गाड़ी भी आके यहीं पे पार्क कर रहे हैं अभी। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो है पूरा गंगा के किनारे पूरा नाव ही नाव आपको दिखाई दे रही होंगी। दुकानें भी साइड साइड में लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ऊँट भी, लोग मनोरंजन के लिए यहाँ पे ऊँट भी आई हुई है।
गाइज आप देख सकते हैं जो है ये है इलाहाबाद का भव्य किला। देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से इसे बनाया गया था। ये देख सकते हैं इसकी दीवारों को, आप देख सकते हैं पूरा पत्थरों से बनाया गया था इसे। ये देख सकते हैं आप इसके पत्थरों को, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बनाया गया है इसे। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं किले का द्वार है जो आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। गंगा माँ के दर्शन करने के बाद दोस्तों इस समय हम बड़े हनुमान की तरफ प्रस्थान करते हुए, यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे बड़े हनुमान के दर्शन करके आप जो भी मनोकामना मांगते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है ऐसा कहा जाता है। इस समय हम लोग बड़े हनुमान की तरफ मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत से लोग मंदिर की तरफ चले आ रहे हैं जो है। ये मंदिर का आप फ्रंट देख सकते हैं जो है, पूरा ये मंदिर का प्रांगण है। ये देख सकते हैं बड़े हनुमान जी मंदिर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से अंदर लाइन लगती है बड़े हनुमान के दर्शन के लिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ अंदर एक प्रसाद की दुकान भी है जो कि मंदिर में जाने वालों को यहाँ से प्रसाद परचेज कर सकते हैं जो है। मंदिर के आप भव्य गेट को देख सकते हैं किस तरीके से गेट को बनाया गया है। ये है मंदिर का गेट। देखो ये देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये सामने पूरे बड़े मोटे हनुमान मंदिर Yeah।